कयामत से कयामत तक के गाने हिट हुए, फिर भी उदित जी के मन में एक गहरा डर था। कुछ पन जिंदगी के। किसी ने कहा कि यार कयामत से कयामत तक का कैसेट रिलीज हुआ है, उस वक्त पहले कैसेट रिलीज होता था, कैसे भी शहर में जाके ढूंढ के निकाला कैसेट, और जब सुना ना मेरे मन में कहा कि भगवान लाख लाख शुक्रिया आपका, मतलब खुशी के मारे पागल हो गया। आप सोचिए, हमारे पास वो कैसेट हुआ करता था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जी, मैंने उस टाइम बोर्ड्स दिया था। अच्छा। और पिक्चर रिलीज हुई थी जी, और मेरे रिजल्ट मैं लेने नहीं गई थी, क्योंकि मैं घर पे बैठ के वीडियो पे वो मूवी कम से कम मैं 4 या 5 बार देखती थी दिन में। आए, आए, आए। और वो गाने सारे रटे हुए थे, आए, और नॉन स्टॉप रिपीट मोड पे वो गाने चलते थे। आए, आए, आए। उसका एक ऑरा ही अलग था, अलग ही नशा था। वो चश्मा लगाए हुए आमिर खान साहब का पोस्टर लग दिया था नासिर साहब ने, लोग कॉलेज के लड़के लड़कियां बोलते थे यार क्या पोस्टर लगाया है। अच्छा, भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआएं के वजह से गाने सुपर डुपर हिट हो गए। आज तक ऐसा लगता है कि ये कल ही रिकॉर्ड हुआ है, मतलब एकदम इतना फ्रेश लगता है। सिबाका की बिना का गीत माला पे नंबर 1 हुआ था, चैंपियन मैंने कभी देखा नहीं था, चैंपियन तोड़ी। अच्छा। यार इससे खुशी की बात क्या हो सकती। अब देखिए, म्यूजिक तो सुपर डुपर हिट हो गए, फिल्म रिलीज हुई अभी तक मुझे याद है 29 अप्रैल 88, फिल्म फर्स्ट वीक में फ्लॉप हो गई। अब तो मैंने कहा बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहो, अब तो कोई चांस नहीं है। अभी ये क्या ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, क्या कृपा हुआ उनका, सेकंड वीक के एंड से जो पिक्चर पकड़ी है ना, मैंने जिंदगी में ये आलम कम देखा होगा कि लोग डायलॉग पे क्लैपिंग मारे जा रहे हैं। आमिर खान जब गिटार लेके जब पापा कहते स्टार्ट होता था तो क्या आलम होती थी पिक्चर, मतलब सिनेमा हॉल के अंदर, यू कांट बिलीव, मतलब इमेजिनेशन के बाहर था मामला, तूफान मच गया मतलब। उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस वी नेवर लुक बैक। कुछ पन्ने जिंदगी।